वंस अगेन वेलकम बैक टू द YouTube वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं और एक सिंथेसिस का नाम है डिसोपायरामाइड फॉस्फेट। बोले तो ड्रग अपने को यहाँ पर बहुत लंबा दिखता है, इसका नाम जो है बहुत लंबा है, लेकिन ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए कैसे ध्यान में रखेंगे, क्या पूछा है आपको कि डाय। पहले तो इधर अपन को ड्रग कैसा है समझ लेते हैं पहले कि डाय। डाय यानी क्या कि टू। इसके बाद में क्या है आइसो। आइसो मीन्स क्या, ऐसा कार्बन जिसपे क्या है कि दो मिथ्री ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद में क्या है पाइल। पाइल मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ पिरिडीन, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पिरिडीन प्लस अमाइड। अमाइड बोले तो क्या CONH2। तो देखते हैं इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर। डाई आइसो पाइल प्लस अमाइड, डाई आइसो पाइल प्लस अमाइड, सिंपल है। पहले क्या करने गए कि कार्बन निकालने का, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी चार होते हैं इसलिए यहां पर मैंने चार बॉन्ड निकाल दिए। इसके बाद में मैं क्या करता हूं कि ये जो नीचे वाला जो वैलेंसी है कार्बन की इस पे पिरिडीन लगा देता हूं, यानी कट हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करने का मेरे को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे पिरिडीन लगा देता हूं, ठीक। इसके बाद में क्या करने का अपन को कि अमाइड। अमाइड बोले तो क्या CONH2, CONH2 अमाइड हो गया। और ये जो पी है, पी का मतलब है प्रोपीन, यानी कि इस कार्बन पे और दो कार्बन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करने का है कि अपने को नाइट्रोजन अटैच करने का, और डाई बोलो तो टू टाइम्स कौन सा ग्रुप आइसोप्रोपीन ग्रुप, तो इसलिए इस नाइट्रोजन पे कार्बन CH2 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 और एक बार CH2 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। इसी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। क्या किया है और एक बार एक मिनट में समझ में आता है कि डाई यानी टू, आइसो यानी आइसो ग्रुप, कार्बन ऐसा जिसपे दो मिथिल ग्रुप रहेंगे, पाइर यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पिरिडीन, ठीक है। इसके बाद में अमाइड यानी CONH2, ये CONH2, ये पिरिडीन, ये फिनिलडीन, ये तीन कार्बन, इसके बाद में नाइट्रोजन और ये डाई आइसो प्रोपिल ग्रुप, ठीक है। इस तरह कैसे यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर निकालने के बाद आपको क्या ध्यान में रखने का है कि इसका सिंथेसिस कैसा आता है, ठीक है। सिंथेसिस कैसा आगा हुआ ये अपन देख लेंगे वन बाय। आपको स्ट्रक्चर तो पता चला होगा कैसे निकालते, ठीक है। इसके बाद में क्या करने का है कि अपने को स्टार्टिंग मटेरियल जो है इसका नाम है फिनिल एसीटोनाइट्राइड। फिनिल यानी क्या फिनिलिन, एसीटो यानी क्या कि ऐसा कार्बन जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच है, ओ नाइट्राइल यानी क्या कि साइनाइड। साइनाइड को अपन सफिक्स क्या बोलते हैं, ओ नाइट्राइल, यानी साइनाइड को अगर एक कार्बन अटैच रहता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन एसीटोनाइट्राइल। अगर हाइड्रोजन होता तो क्या होता फॉर्मोनाइट्राइल, लेकिन यहाँ पर क्या है कार्बन इस साइनाइड को, इसलिए अपन क्या बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। ये एसीटोनाइट्राइल इस पोजीशन पे लगा हुआ है पैरा फिनिल लिंक के, यानी फिनिल एसीटोनाइट्राइल। इसके बाद में आपने क्या किया है कि ये जो पिरिडीन की रिंग है इसके सेकंड पोजीशन पे बीआर, यानी नाइट्रोजन इज हेटेरोजेनस आइटम, इसको एक नंबर देंगे, ब्रोमीन को टू नंबर देंगे, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए अपन उसको बोलेंगे टू ब्रोमो, और ये रिंग को क्या बोलते हैं पिरिडीन, इसलिए इस रिंग का नाम आ गया है टू ब्रोमो पिरिडीन, ठीक है। फिनिल एसीटोनाइट्राइड प्लस टू ब्रोमो पिरिडीन, दिस टू आर द स्टार्टिंग मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिसोपायरामाइड, ओके। अगर एमसीक्यू आता है तो ये दो जो रिएजेंट्स है आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में क्या किया इधर NaNH2,
यानी यानी सोडियम मिनिस्टर यानी अमाइड, इसका नाम है सोडियम अमाइड। तो ये जो सोडियम अमाइड है, ये सोडियम अमाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, विच इज यूज एज अ बेस, विच इज यूज एज अ कैटेलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को इस Br के साथ रिएक्ट करके HBr को बाहर निकाल देगा, ठीक है। यानी क्या मिलता है, रिंग, इसके बाद में कार्बन, एक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया Br के साथ, HBr बाहर चला गया, पीरिडीन की पीरिडीन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट मिलने के बाद अपने को मालूम है कि इस इंटरमीडिएट पे क्या लगाए जिस वजह से अपने को अपना ड्रग मिले, तो आपको पता है इस इंटरमीडिएट पे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन और साइड चेन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन और साइड चेन, ठीक है। तो अपने को क्या करने का है कि इधर का हाइड्रोजन, इधर एक Cl, बाद में दो कार्बन, क्योंकि एक एक कार्बन या दो तीन, इसलिए तीन कार्बन तो हो जाते हैं, इसके बाद ये नाइट्रोजन और एक आइसोप्रोपिन, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद ये से बन जाता है। इसके बाद में क्या है, ये जो साइनाइड है, साइनाइड का अपने को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड। कब, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तब, तो अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इससे अपने को एसिड मिलता है। अपने को क्या करने का है, एसिड नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ अमाइड, इसलिए अपन यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रेफर करेंगे। इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रेफर किया और यहाँ पर साइनाइड गेट कन्वर्टेड इनटू द CONH2। इस तरीके से अपने को क्या मिला, अपना जो ड्रग है डिसोपायरामाइड ये मिलेगा। इसके बाद में क्या करने का, आपको सिर्फ वन मार्क के लिए रह जाता है बाकी का प्रोसेस। आपको पूछा क्या है, फॉस्फेट आपने किया क्या है, डिसोपायरामाइड, ठीक है, इसका वन मार्क रहता है एग्जाम में, अगर आप ये नहीं लिखते तो वन मार्क आपका कट होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखने का है, अपने को क्या करने का, फिर फॉस्फोरिक एसिड इस पे डालने का और बाद में डॉट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर और H3PO4 का H3PO4 यानी कि फॉस्फेट। इस तरीके से ये डिसोपायरामाइड का जो सिंथेसिस है, इसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।